बहराइच में चीन की कायराना हरकत को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। देश के नागरिकों में चीन के विरोध आक्रोश को उबाल मार रहा है। आज हिंदू जागरण मंच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंककर विरोध जताया गया। दीपक सोनी, हाँ बताइए, क्या मामला है? पुतला फूंका है आज आप लोगों ने चाइना का? मामला यही है कि पुरानी रीति के हिसाब से जो है चीन ने हमेशा विश्वासघात किया है, और जो आपको 15-16 की रात में सुनने को मिला, और चाइना ये भूल गया है कि ये 1962 का नेहरू का भारत नहीं है, ये 2020 मोदी का भारत है। छाती पर चढ़ करके हमारे सैनिकों के लहू का बदला उनकी गर्दन काट के लेना जानता है ये भारत। और हम ये जानते हैं कि मोदी बैठे हैं और यहाँ का जो जनमानस है वो बिना ट्रेनिंग के चाइना की छाती तक फाड़ करके और अपने भारत के सैनिकों का बदला लेने के लिए आतुर है। पड़ोसी राज्य नेपाल भी आँख दिखा रहा है? नेपाल आँख नहीं दिखा रहा है, नेपाल तो वो छोटा सा बच्चा है जो चाइना की गोद में बैठ गया है। वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार जो है वो चाइना की गोद में बैठ गई है। वरना नेपाल के नागरिकों से पूछिए कि आज भी भारत को मित्र की तरह मानते हैं, जो अपनी सरकार का विरोध भारत के विरोध करने पर कर रहे हैं।